अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन कामयाब सुपरस्टार में से एक है जिनकी फिल्मों को समय समय पर प्रशंसकों का अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती है। इस पोस्ट में हम आपको अक्षय कुमार के बारे में कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जो बेहद ही कम लोगों को पता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह बातें अच्छी लगे तो पोस्ट को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। बॉलीवुड में कामयाबी हासिल करने से पहले अक्षय कुमार ने महेश भट्ट की फिल्म आज में एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर का रोल निभाया था और इस रोल में उनके इस किरदार का नाम अक्षय था, इसी वजह से उन्होंने अपना प्रोफेशनल नाम अक्षय रख लिया। अक्षय कुमार के पिता यूनाइटेड नेशन में अकाउंटेंट की नौकरी किया करते थे, इससे पहले उनके पिता आर्मी में भी काम कर चुके हैं। अक्षय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने स्कूल में ब्लडी टेन नाम से एक गैंग बना लिया था और उनके स्कूल के सभी साथी उनके गैंग से डरते थे। अक्षय कुमार शुरुआत से ही मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते थे। बचपन में उनका पड़ोसी जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट था उनको बार बार चिढ़ाता था, इस वजह से उन्होंने मार्शल आर्ट सीख ली। अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं और इस बेल्ट को हासिल करने के लिए उन्हें 6 साल लगे। यह तो हर कोई जानता है कि अक्षय कुमार ने बैंकॉक के होटल में काम किया था, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों की पता है कि अक्षय कुमार ढाका के एक होटल में भी काम कर चुके हैं और कोलकाता में एक ट्रेवल एजेंसी में भी उन्होंने काम किया है। बैंकॉक से लौटने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक सुनार का भी काम किया। वह दिल्ली से खरीदे हुए आभूषणों को मुंबई में आकर बेचा करते थे। अक्षय शुरू से ही मॉडलिंग और अभिनय की ओर आकर्षित न जब वह बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहे थे तब उनके एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए साइन कर लिया। उसके बाद से अक्षय कुमार का ध्यान भी मॉडलिंग की ओर चला गया। मॉडलिंग में कामयाब हो जाने के बाद अक्षय कुमार धीरे धीरे अभिनय में भी कामयाब हो गए। आज अक्षय कुमार अभिनय की दुनिया में इस मुकाम पर है कि पिछले 25 सालों में उन्होंने 80 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी है। दोस्तों, अगर आपको अक्षय कुमार और उनकी फिल्म पसंद है तो पोस्ट को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए धन्यवाद।